बिहार में कहने को तो सुशासन की सरकार है, लेकिन दावे और वादे में बहुत अंतर है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है, ये किसी से छिपी नहीं है। अब बिहार के छपरा के मशरक को ही देखिए। छपरा के मशरक में स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए सरकार चाहे कितनी भी कवायद कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कहीं दवा के अभाव में मरीज परेशान हो रहे हैं, तो कहीं अस्पतालों में कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहीं मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर करने का सिलसिला तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अस्पतालों को मुहैया कराई गई एम्बुलेंस भी ठीक ठाक स्थिति में नहीं है। कहने को तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक में एक एम्बुलेंस है, लेकिन वर्तमान समय में एक भी एम्बुलेंस काम नहीं कर रही है। लोगों को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। 102 नंबर की एम्बुलेंस एक सप्ताह से खराब पड़ी है। वहीं घायल और गर्भवती महिलाओं के लिए वैकल्पिक तौर पर भी एम्बुलेंस नहीं है। अस्पताल आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर गर्भवती महिलाएं एम्बुलेंस ना होने के कारण सरकारी अस्पताल नहीं पहुंच पा रही है। उन्हें प्राइवेट अस्पताल का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं उन्हें एक मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। यदि अस्पताल आना चाहे तो प्राइवेट गाड़ी का सहारा लेना पड़ता है। खजूरी में ट्रैक्टर दुर्घटना में घायलों को सदर अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होने पर मरीजों के परिजनों ने आक्रोश जाहिर किया। वहीं मौके पर दुर्गौली मुखिया प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह ने कहा कि मरीज को सदर अस्पताल छपरा रेफर किया गया, पर एम्बुलेंस सेवा नहीं है। वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी सक्षम अधिकारी जवाब देने तक को नहीं है। अभी हॉस्पिटल की स्थिति इतना बदतर है कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ था खजूरी में, वहाँ से 5 केसेस आए हुए हैं, लेकिन हॉस्पिटल में चिकित्सक तो है, लेकिन न प्रभारी का पता है, न हेल्थ मैनेजर का पता है, कोई भी पदाधिकारी अभी हॉस्पिटल में नहीं है। देखिए, जो एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है, एक्सीडेंट इनके पास आया हुआ है, आज देखिए वो चीज का, तीन तीन को पेशेंट, चार चार को पेशेंट पड़ा हुआ है, ना यहाँ स्टाफ अवेलेबल है और ना एम्बुलेंस अवेलेबल है। एम्बुलेंस कह रहा है कि ये 7 दिन से एम्बुलेंस खराब हुआ है। जब इनसे डॉक्टरों से मिला गया तो बोले कि 7 दिन से एम्बुलेंस खराब हुआ है। बताइए, इमरजेंसी जब यहाँ पर आएगा, सदर हॉस्पिटल में आएगा, यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर क्या स्थिति होगी, क्या चीज़ का उपचार होगा? ना यहाँ का बेड सही है, ना यहाँ का रख रखाव सही है, ना यहाँ का कोई साधन है, कोई चीज का साधन नहीं है, ना डॉक्टर अवेलेबल है, ना स्टाफ अवेलेबल है। बता दें कि प्रभारी मैनेजर के कक्ष में ताला लटका है। मरीजों के परिजनों को महंगे दामों पर निजी एम्बुलेंस सेवा लेकर छपरा ले जाया जा रहा है। आखिर सबके लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दावा है, पहले से बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार आया है, लेकिन हकीकत सबके सामने है। आखिर कब तक लोग यूं ही मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहेंगे?